नतीजे आ गए हैं, Q3 के नतीजों की शुरुआत हो गई है। ऐसे में Q1 के नतीजे TCS के कंसो मुनाफा की अगर बात करें तो यहाँ पर 10,850 रहा है कंपनी का मुनाफा। जैसी उम्मीद थी उसके मुताबिक कंपनी का जो अनुमान था उसके मुताबिक कंपनी का दिखता हुआ आगे का रिजल्ट। Q3 रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो गई है और Q1 का रिजल्ट TCS का। इस पूरे रिजल्ट को जानेंगे, इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्षदा सावंत जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें किस तरीके का रहा है कंसो मुनाफा की अगर बात करें तो 10,850 करोड़ का ये रहा मुनाफा, हालांकि 11,137 का अनुमान था आवास का। इसके अलावा 8 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। बेहतरीन रही है पीछे देखा जाए तो TCS का प्रदर्शन, लेकिन ऐसे में अनुमान से थोड़ा कम या उसके आसपास ये जो प्रदर्शन है कंपनी का ये रहा। 67 स्पेशल्स डिविडेंड का ऐलान यहाँ पर कंपनी ने किया है अपनी तरफ से, जो ब्रीफिंग हुई है कंपनी की उसके तहत। हम चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी हर्षदा के पास। हर्षदा, कंपनी के नतीजे और कैसे हैं, किस तरीके के हाइलाइट्स इसके? आपको नंबर्स दोहराने पड़ेंगे स्मिता प्लीज, नेटवर्क बहुत खराब है और नतीजे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हाथ में नहीं है, भले ही हम TCS हेडक्वार्टर में बैठे हैं। ओके हम बता दें कंसोलिडेटेड आय जो है कंपनी की वो दरअसल 58,229 करोड़ है, हालांकि अनुमान 57,475 करोड़ का था, उससे काफ़ी बेहतर देखा जाए तो। कंसो मुनाफे की अगर बात करें तो 10,846 करोड़ जो कि 11,137 करोड़ का अनुमान था उससे थोड़ा यहां पर कम प्रदर्शन हम कह सकते हैं TCS का रहा। इसके अलावा 8 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कंपनी की तरफ से किया गया है और इसके अलावा कंपनी की तरफ से 67 रुपये प्रति शेयर स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। एक बार फिर चलते हैं हर्षदा जी के पास जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। आगे का क्या आउटलुक रहेगा हर्षदा जी, देखा जाए तो कंपनी का जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसको देखते हुए? अच्छा, इसमें स्मिता एक्चुअली कमेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली मार्जिन फ्रंट पर। अब अपेक्षा तो थी कि कंपनी करीब करीब 24.74% के आसपास के मार्जिन डिलीवर करेगी, रुपी में जिस तरह रही है